नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो प्लेसमेंट से रिलेटेड, प्लेसमेंट राइट टीसीएस बीपीएस से रिलेटेड। तो टाटा कंसल्टेंट सर्विस जो है इसमें जो है बीपीएस पोस्ट के लिए जो है इस बार ईयर ऑफ पासिंग 2025 में जो स्टूडेंट पास आउट होने वाले हैं उसके लिए एक खास मौका दिया जा रहा है आपका प्लेसमेंट में भाग लेने का, ड्राइव में भाग लेने का। तो इसके लिए जो है निकाल दिया गया है कौन सा कौन अप्लीकेबल होंगे, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चलिए वो सारा चीज़ों में बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए लाइक से सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो है ड्राइव जो होने वाला है ये जो टीसीएस का, वो आपको कैसे होगा, क्या है प्रोसेस, तो उसमें मैं पहले बात करूँ। तो इसमें जो है आपका जो है कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, और पहला तो डेट की बात करें कि कौन सा डेट है, तो इसमें जो है आपका बात करें को डेट जो है रजिस्ट्रेशन जो है एंड होगा वो 11 सितंबर को एंड होगा। 11 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, और टेस्ट का जो डेट होगा वो है 11 अक्टूबर 2024 होगा। तो 11 अक्टूबर को आपका जो है वो आपका डेट है जो आपका ये होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको होगा 11 सितंबर से पहले तक। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, मल्टीपल हायरार्की में इसका रजिस्ट्रेशन है, तो वो क्या है प्रोसेस, वो सारा चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं बता दें कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं ताकि तुरंत आपको सारा चीज़ का अपडेट मिल जाएगा। इसी में डिस्क्रिप्शन में नीचे में लिंक दिया हुआ है आपका, एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है जो मारवाड़ी कॉलेज रांची के प्लेसमेंट सेल जो है आपका वेबसाइट उस पर भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी भर सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर के आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो फॉर्म में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, DT ID पहले जनरेट करना होगा, तब जाकर के इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो DT ID कैसे जनरेट करते हैं मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ कि DT ID कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, और TCS के पोर्टल पे DT ID जनरेट करके उसमें क्या है डिटेल आप कैसे भर सकते हैं वो सारा चीज़ मैं अपडेट कर दिया हूँ ऑलरेडी पहले से, एक प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ कि वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं DT ID कैसे जनरेट करना है, और TCS के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल जो है उसमें कैसे आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो भी मैं डिटेल उसमें बना करके डाल दिया हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। DT ID जनरेट करेंगे तभी जाके ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये फॉर्म पहले आपको DT ID जनरेट करना होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद में जो DT ID मिलेगा उसी के साथ में आप ये गूगल फॉर्म भर सकते हैं जो कॉलेज के वेबसाइट पे होगा। कॉलेज के पास अगर आपका डेटा नहीं आता है तो आपका कोई फायदा नहीं होगा आपको भरने से, क्योंकि आप ड्राइव में नहीं बैठ पाइएगा, इसलिए इस फॉर्म को भरना जरूरी है। उसके बाद में आपका BA BSc BCom BBA तीनों आप अपेयर हो सकते हैं इसमें। और यहाँ पे बात करें कि कोर्स जो है XBA का बात करें या BSc बायोटेक्नोलॉजी की बात करें या BBA की बात करें तो उसका भी आपको लिखना है कि कौन सा कोर्स में है। उसके साथ साथ में आपको कॉलेज का आईडी कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा फोटो लेकर के। उसके बाद में जो है आपका जो है एक नंबर दिया गया है, उस नंबर में आपको क्या करना है, आपको आईडी कार्ड जो है आपको सेंड करना है व्हाट्सएप में, तब जा करके आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक चला जाएगा रिक्वेस्ट आपका जो आपका एडमिन है उनके पास। एडमिन के पास जैसे ही लिंक जाएगा, लेकिन आपको उसमें एक नंबर दिया गया, उसमें आपको क्या करना है भरना होगा, आपको पहले से ही उसमें आपको क्या करना होगा, आपको ये देना होगा मतलब कि आईडी देना होगा, तब जाके वो आपको अप्रूवल देंगे, तब जाकर के आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसके साथ साथ में जो है इसके लिए जो है आप इस चीज़ को जान लीजिए कि आपको ये अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट कौन कौन है जो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो एनी ग्रेजुएट जो आपका 2025 में पास आउट हो रहे हैं कोई भी स्ट्रीम से हो, एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके BCA, IT, CS, मैथ और फिजिक्स, ये चीज़ों को छोड़ करके BCA के स्टूडेंट, IT के स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, मैथ के स्टूडेंट और फिजिक्स के स्टूडेंट इसमें अपेयर नहीं हो सकते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बाकी रेस्ट जितने स्टूडेंट बचे BA BSc BCom के वो इस पे अपेयर हो सकते हैं। 2022 से 2025 वाले जो सेशन है, ओनली 2022 से 25 वाले सेशन के जो स्टूडेंट हैं बस वही अपेयर हो सकते हैं। तो जितने भी 2022 से 25 के स्टूडेंट हैं एक्सेप्ट BCA, IT, CS, मैथ्स और फिजिक्स, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए, ड्राइव में बैठिए, क्लियर हो जाएगा तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें मैं बात करूं कि थोड़ा सा कि स्टूडेंट का इसमें जो है आपको एक चीज़ दिया गया होगा कि रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो उस समय में थोड़ा सा और भी डिटेल की बात करें, क्योंकि जो आपका DT ID जो जनरेट होगा, आप फॉर्म कैसे भरना है वो उसका अलग वीडियो में डाल दिया हूँ। उसके पहले बात करें कि आपका जो है कि जो स्टूडेंट का बैकलॉग लगा होगा, तो बैकलॉग जब तक आप एग्ज़ाम देते हैं, अपेयर होते हैं, तब तक के लिए एक बैकलॉग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका ज्वाइनिंग पीरियड आएगा उस समय तक सारा पेपर आपका क्लियर हो जाना चाहिए,
बैक हायर एजुकेशन अगर आप किए हैं तो आपको पहले बात बता दें कि हायर एजुकेशन के लिए अभी यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए जो हायर एजुकेशन वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओनली दिया गया 2022 से लेकर के 2025 तक के स्टूडेंट का। आपका किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो क्लियरली आपको जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें क्लियर होना चाहिए, क्लियरली आपका मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। एज क्या होना चाहिए, 18 से लेकर के 28 के बीच में होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए, 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे बात करें कि गैप, जैसे कि आप पढ़ाई करके 12 के बीच में छोड़ दिए थे, या तो एजुकेशन गैप जो होता है 24 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसमें सिलेक्शन होने में दिक्कत हो सकती है। तो स्टूडेंट जो बाकी जितने भी कोर्स वाले हैं आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो प्रोसेस क्या है, तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में जाना है। वहाँ जाने के बाद में आपको DT ID जनरेट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी में DT ID या तो CT ID बोलते हैं, दोनों आपका जनरेट हो जाएगा, वो एक ही ID होता है, उसी से आपका लॉगिन होगा। अब लॉगिन होने के बाद में आपको बैच 2025 के लिए आपको उसमें जाना होगा, वो अप्लाई फॉर ड्राइव होगा, उस पर जा करके जैसे ही आप उस पर जाते हैं उसके आगे जा करके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपका क्या है, एक फॉर्म भरना होगा गूगल फॉर्म, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें भरना होगा, और उसके साथ साथ में हम अगर बात करें तो कॉलेज के वेबसाइट पे भी डाला हुआ है ताकि वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दूसरा वीडियो जो है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं कि DT ID कैसे जनरेट करना है, अप्लाई कैसे करना है, आप उसको भी जरूर एक बार देखें। और इसी तरह के अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।